गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने मोटोलॉग से स्टार्ट कर लिया क्योंकि कल नहीं कर पाया था। आई वॉज लाइक कि कौन हेलमेट कैरी करेगा एंड ऑल, लेकिन एड्रेनलिन रस हो रहा था गाइस वहाँ पे। जैसे आदमी निकल रहे थे और जैसे आदमी आ रहे थे जा रहे थे, तो जिस तरह का माहौल हो रखा था और जिस तरह का भीड़ रखा था, मुझे लगा कि मैंने गलती किया, ले लेना चाहिए था क्योंकि मज़ा आ रहा था। ऐसे ऐसे सांप जैसे चलाने में मज़ा आता है गाइस, एक बार ऐसे मतलब सुई सुई सुई। हम लोग वापस आ गए हैं फिर से आपका मनोरंजन करने के लिए। आशा करते हैं आपको पिछला ब्लॉग पसंद आया होगा। इस बार देखा जाए क्या होता है क्या नहीं, इस ब्लॉग में हमें क्या कंटेंट मिलने वाला है क्या नहीं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है क्या होने वाला है। हम अभी घर से रेडी होके आए हैं। आप सोच रहे होंगे हम कैसा बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग पागल जैसा बात करें, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे रोज़ हम नहीं नहाते, 3:30 बजे टू बी वेरी एग्जैक्ट रोज हम नहीं नहाते। रास्ता को देख रहे हैं आप, साफ किया गया, ये लोग कर रहे हैं यार। थैंक यू आप लोगों को, मतलब जो पैदल चल के घाट की तरफ जा रहे हैं उन लोगों के लिए रास्ता साफ हो रहा है, कर रहे हैं वही बहुत बड़ा बात है कि आज के समय में कोई ऐसा करता भी नहीं है, मतलब किसी का हेल्प करता भी नहीं है, रास्ता साफ कर रहे हैं। क्या ही मिलेगा ये लोगों करके, कुछ नहीं, क्या ही प्रॉफिट है वो लोग का उसमें, कुछ नहीं, तब भी कर रहे हैं। इस जगह पे से डाल सकते हैं ना घोस्ट कॉटन कैमरा, कुछ भी कुछ भी है। क्या रोड में जो कुछ है मेरा कैमरा ना, हाँ अजीब टाइप हो जा रहा है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। आज तो यहाँ पे आपको भीड़ दिख रहा है, खाली आज ही का दिन आपको भीड़ दिखेगा, छठ पूजा का सुबह अलग रख के दिन है, तो इतना भीड़ इस रास्ता में तो शाम को 7 बजे भी नहीं होता है। 7 बजे अंधेरा के बाद तो यहाँ भीड़ दिखता ही नहीं है, ऐसा रास्ता है ये। इधर घूमना है, ओके ओके ओके, उस इधर रास्ता जाते तो वहाँ से शमशान निकलता। आप यहीं देख लीजिए, ये जो रास्ता कट रहा है, आदमी दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो जी आज के दिन भी आदमी नहीं है, नॉर्मल दिन में तो ऐसे भी नहीं होता है। घाटी है गाइस। किसकी घाटी? चंबल की घाटी। अच्छा, और देखिएगा गाइस यहां बहुत मर्डर हुआ है गाइस, तो डर हमें लग सकती है पर हम डरेंगे नहीं, हमें हौसला रखना है, घबराना नहीं है। ये क्या रोड पे, यहां पे ये जो नाली वाली सीवर होता है जितना भी उसका ट्रीटमेंट होता है, आदमी रहता भी है यहाँ पे? वहाँ पे आदमी रहता भी है? बाप रे बाप, तो नाइट ड्यूटी हो सकता है किसी का, पता नहीं दोस्त। इधर ना आज से 7-8 साल पहले जब छठ पूजा के लिए जा रहे थे ना, ये रास्ता पूरा एकदम कच्चा था और ना हम लोगों को बहुत भयानक डर लगा था, तो फिर स्कूटी का स्पीड रुका नहीं और ऐसे हम लोग पहुंचे, क्योंकि हम लोगों को लगा कि कोई आगे से दौड़ के भागा था। बाद में हम लोग घूर के देखे तो हम लोग को वहम हुआ था वो एक गाय था, सादा गाय। आप क्या कहना चाह रहे हैं, चुप रहिए ना। हाँ ठीक है गाइस, हम लोग पार कर चुके हैं वो डरावना सा पैच पैच जो भी था, वो पार हो गया। तैयारी देखिए गाइस आप लोग, ओ ये स्कॉर्पियो वाले अलग जो उसमें थे हम बता रहे हैं, नॉर्मल तो नहीं लग रहे थे हमें। यस, सुबह सुबह ट्रैफिक हो चुका है गाइस, अभी से अनाउंसमेंट हो रहा है कि ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा एकदम हॉरर फिल्म की तरह एंट्री मारे, ए बाबू ए हटो यहाँ से, हम भी बोले आई गॉट इट चिच्चा, हट गए वहाँ से। हम लोग घाट पहुंच चुके हैं गाइस, वापस से रौनक आ चुकी है, लाइट्स देख सकते हैं आप, पटाखे देख सकते हैं आप, हर जगह इलाका धुआं धुआं कर दिया जाएगा गाइस जल्दी ही। झमेला हो रहा है ऊपर, तुम लोग और झमेला, एक और रॉकेट लॉन्च होने जा रहा है गाइस। देखिए गाइस ये अभी जाएगा मार्च में आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। मेरी जान,
कहाँ जाता चल परी लोग से ठीक है क्या बोला तूने चल परी लोग से ठीक है नहीं नहीं उधर ही पड़ेगा हम क्या बोलते हैं गाइस इसको जला के या छोड़ दे ससुराल में पानी हो गई बैग से निकला कोबरा ये मजा आएगा गाइस मेरी जान रिक्शा जाएगा ये कोबरा डर चुका है जैसा कि देख रहा है ये कोबरा किसी को नहीं डसा गाइस इसमें आपको मजा नहीं आया दो रुपए की पेप्सी अजय नदी सबसे सेक्सी ओ माय गॉड ओ मेरी जान और ये हमारे इसरो और नासा के साइंटिस्ट फिर तैयार हो चुका है अपना रॉकेट लेके जानिए क्या होगा सब जल जाएगा रोज क्यों फटा फिर सब जाना चाहेंगे आप नहीं उड़ाई उड़ाई देख के बहुत इधर आदमी है ओ माय गॉड गाइस ये रॉकेट लॉन्च का खुशी में सब खुशी मनाते हुए यहाँ पे देखिए इंटर्न पूरा खुश है गाइस गाइस ये क्या दो रॉकेट आपस में क्रैश होने वाले हैं गाइस क्या ये क्रैश होंगे या कट जाएंगे नहीं ये दोनों अलग अलग ग्रह पे जा रहे हैं वो जा रहा है चंद्रमा पे वो जा रहा है मार्स पे दोनों का अलग अलग रास्ता है गाइस कोई दिक्कत नहीं होगा दोनों को रिकॉर्ड होता है देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आप लोग वो बीच में फंस के व्लॉगिंग कर रहे हैं गाइस वो देखिए गाइस वो बहने वाले हैं हमें लगता है आगे एनडीआरएफ का नेट भी नहीं लगा हुआ है सेल्फी के लिए इतना कौन जूझता है गाइस सेल्फी जरूरी है जान आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं उसके पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जरूर करें गाइस क्योंकि देख सकते हैं आप आदमी कितना जूझ रहा है सेल्फी के लिए मेरी यार भैया कहाँ से आए भैया हम तो आए हैं देखिए दार्जिलिंग से कैसा लग रहा है आपको बहुत बढ़िया लग रहा है मजा आ रहा है वहाँ पे होता है क्या वहाँ तो आज तक देखा नहीं आज पहली बार अनुभव हो रहा है चित्रंजन आने का आपका क्या मोटिव था देखिए मेरा दोस्त मेरे को इनवाइट किया था विलियम यादव सर हम आपको पोवो चैनल पर देखते थे ट्विटर का मालिक आप ही थे ना नहीं नहीं वो मिस्टर बीन जब डबल एक्शन जब करता था तो उसका स्टंट कॉपी हम ही थे मेरा सवाल ये है कि छठ पूजा इतना प्रचलित पूजा है दार्जिलिंग में जरूर होता होगा होता है तो उस समय आप कहाँ रहते थे घर में शाबाश माई गॉड आप देख सकते हैं कितना जूझ रहा आदमी आप फोटो लेने के लिए माई गॉड ओ भाई मारो मुझे ये प्रैंक था गाइस वहाँ कैमरा में देख के हाथ हिला दीजिए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम गाइस यहाँ देख सकते हैं गाइस अजय नदी वाटर पार्क बन चुका है हर जगह बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं पानी में देखिए गाइस हर जगह आदमी पानी में डूब रहे हैं खेल रहे हैं कूद रहे हैं गाइस सुबह का भी अरग खत्म हो गया बहुत मजा आया बहुत मजा किया हमने बहुत सारी मोमेंट्स थे जो हमने कैप्चर नहीं कर पाए कैमरा में बट कोई ना जितना भी किया आपको दिखाने का पूरा कोशिश रहेगा देख सकते हैं गाइस यहाँ पे सब अपने अपने घर जाते हुए ये सूर्य देव
और सारे बच्चे, सारे बड़े, सारे लोग अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए। हमारे साइंटिस्ट बरमूडा जी रॉकेट दम तोड़ दिया गाइस, उसकी आत्मा ऐसे धुआं में निकल गई गाइस।